दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स, केबल्स परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करें mmitgsmtool.com पे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं UEFI बॉक्स और UEFI डोंगल में जो क्रेडिट आता है उसके बारे में। दोस्तों, आप में से काफ़ी व्यूअर्स ऐसा पूछते हैं कि UEFI बॉक्स, UEFI डोंगल में अगर वो क्रेडिट परचेस करते हैं तो इसमें कौन कौन से मोबाइल फ़ोन अनलॉकिंग होते हैं और कौन से फ़ोन के लिए कितना क्रेडिट कट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में यही बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट परचेस करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपनी के, यानी कौन कौन से ब्रांड के फ़ोन आप अनलॉकिंग कर सकते हैं और कौन से फ़ोन के लिए कितना क्रेडिट कट होगा। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है mmitgsmtool.com। दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लें और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरीज दिया हुआ है। आपको जो कैटेगरीज में जाना है आप जा सकते हैं। जैसे हमें UEFI क्रेडिट देखना है तो हम जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट्स में। क्रेडिट्स में जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे UEFI डोंगल या UEFI बॉक्स के क्रेडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको बजा के हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर आपको क्रेडिट परचेस करना है तो आप कैसे परचेस कर सकते हैं। आपके पास जो भी UEFI का आईडी होता है, यानी अकाउंट आईडी, उसको आपको कॉपी करना है। दोस्तों, 28 डिजिट का जो आपका अकाउंट आईडी है, आप उसे कॉपी कर ले। बिल्कुल भी आप टाइप ना करें दोस्तों, उसमें कुछ भी गलती हो सकती है, तो उसकी वजह से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दें और एड टू कार्ट कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और क्रेडिट परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार में आपको 10 क्रेडिट्स मिनिमम परचेस करने होते हैं और मैक्सिमम आप कितने भी क्रेडिट परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्रेडिट्स में आपके काम क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन में आएंगे आप, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको दो सर्विसेस मिल जाते हैं। एक ऑथराइजेशन सर्विसेस मिल जाता है और एक रिमोट डीकोड सर्विसेज मिल जाता है। दोस्तों, ऑथराइजेशन सर्विसेज के थ्रू ही आप फोन को अनलॉकिंग और फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जनरल फीचर्स में आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्विसेज इसमें ऑनलाइन है और कौन कौन से ऑफलाइन है। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्विसेज में दिया हुआ है नोकिया, यहाँ पे बूट लोडर ऑथराइजेशन के लिए आपको दिया हुआ है, वो सर्विसेज है ऑनलाइन। आप नोकिया के IMEI रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, यहाँ पे आप डिकोड कर सकते हैं, अगर आपको बूट लोडर डिकोड करना है उसको भी आप ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों और भी ब्रांड ये हुआ है, जैसे मिजू है दोस्तों, उसके भी आप डिकोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। Xiaomi का भी दिया हुआ है दोस्तों, Xiaomi के भी फोन्स आप यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि Xiaomi का जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप कॉलकॉम, मीडियाटेक और यहाँ पे आप जो भी चीजें यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन की हुई है, कॉलकॉम और मीडियाटेक दोनों आप इसमें कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। यानी दोस्तों, ऑथराइजेशन सर्विसेज के थ्रू आप जो क्वेश्चन पूछे आते हैं MI के फोन अनलॉकिंग जो कर सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप कॉलकॉम और मीडियाटेक दोनों ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी क्रेडिट परचेस करके आप कर सकते हैं। क्रेडिट कितना कटेगा दोस्तों, हम वो आगे देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओप्पो के लिए दिया हुआ है। ओप्पो के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑथराइजेशन कॉलकॉम, ये अंडर टेस्टिंग है दोस्तों। ऑनलाइन का जो चीजें हैं दोस्तों, आप जो क्रेडिट लेके आप सब पूछते हैं कि ओप्पो के फोन हम फ्लैशिंग कर सकते हैं क्या, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये अंडर टेस्टिंग है, यानी दोस्तों ये आपको ऑफलाइन करना होगा, यानी आपको जंपर के थ्रू, यानी आप ISP मेथड के थ्रू कर सकते हैं, बट दोस्तों ये क्रेडिट लेके आप इसे अनलॉकिंग नहीं कर सकते, स्पेशली ओप्पो के फोन। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे ओप्पो के आप डिकोड कर सकते हैं सिक्योरिटी को, जो इंजीनियरिंग मोड पे जाके आपको करना होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों, आप ओप्पो के फोन आप इसका
ये आईएमई रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको अगर फ्लैशिंग करना है, रीड करना है, राइट करना है, वो सब चीजें आप अनलॉकिंग आप नहीं कर पाएंगे, उसको आपको ऑफलाइन करना होगा। उसमें आपका क्रेडिट के थ्रू आप अनलॉकिंग नहीं कर सकते, उसको आपको ऑफलाइन अनलॉक करना होगा। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिमोट डिकोड सर्विसेज भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि फीचर्स में क्या क्या है। जैसे नोकिया के अगर आप फोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैशिंग और FRP रिमूव कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, IMEI रिपेयर कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे डिकोड सिम जो दिया हुआ है वो बीटा वर्जन है। अगर आपको कहीं दोस्तों बीटा वर्जन दिखे तो आप डायरेक्टली समझ जाए कि वो टेस्टिंग पे है, और अभी तक वो उसका प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, यानी ऑफिशियल तरीके से वो लॉन्च नहीं किया गया है पब्लिक के लिए। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे नोकिया के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन से इसके लिए कितना क्रेडिट कट हो सकता है। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं नोकिया यहाँ पे 5.1+ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लैशिंग अगर करेंगे तो 4 क्रेडिट कट होगा, IMEI रिपेयरिंग के लिए 6 क्रेडिट कट होगा, अगर आप डिकोड बूट लोडर डिकोड कर रहे हैं तो 10 क्रेडिट कट होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे वैसे ही पूरा आप लिस्ट देख सकते हैं कि नोकिया के आप कौन कौन से फोन जो हायर मॉडल है नोकिया के वो आप कौन कौन से क्रेडिट के थ्रू ये UFI क्रेडिट लेके आप कौन कौन से फोन को अनलॉकिंग फ्लैशिंग ये सब चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्रेडिट, 8 क्रेडिट, 5 क्रेडिट ऐसे यहाँ पे इसमें कट हो रहा है। अगर दोस्तों हम Xiaomi की बात करें, अगर हम Xiaomi फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Xiaomi के फोन फ्लैशिंग करने में जैसे Redmi Note 7 Pro है, अगर आप उसको करेंगे तो 4 क्रेडिट है। MI 8 है, 8 Pro है, उसके लिए 6 क्रेडिट है। तो दोस्तों आपको कौन से फोन है, आपको अगर लिस्ट देखना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितना क्रेडिट यहाँ पे कट हो रहा है। अब हम बात करते हैं नीचे दोस्तों और भी फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मिजू जो फोन आते हैं उसके लिए कितना क्रेडिट कट हो रहा है। उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्लैशिंग और यही सब चीजें कर सकते हैं, इसमें डिकोड के लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आपको यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट के थ्रू आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किसमें कितना क्रेडिट कट होने वाला है। वैसे ही दोस्तों अगर आप ओप्पो के लिए देखें तो ओप्पो में अगर आप देखेंगे तो Realme 3 Pro का ऑप्शन दिया हुआ है। सिर्फ आपको IMEI रिपेयर कर सकते हैं इसमें, आप फ्लैशिंग के लिए यानी आपको अब इसमें फ्लैशिंग नहीं कर सकते। तो इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ओप्पो के लिए मॉडल तो यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है और रियलमी का भी मॉडल इसमें सपोर्टेड है। बट दोस्तों आप देखेंगे जैसे यहाँ पे रियलमी का भी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, ओप्पो के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट दोस्तों यहाँ पे इजिली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्रेडिट जो लग रहा है वो IMEI रिपेयरिंग के लिए आप इसमें कर सकते हैं, बट क्रेडिट के थ्रू आप फ्लैशिंग अनलॉकिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप में से काफी व्यूअर्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इसमें हमें कितना क्रेडिट कट होगा अगर हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, और तो ये सब चीजें आप जाके यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। सेकंड थिंग दोस्तों आप में से काफी व्यूअर्स पूछते हैं कि अगर हम UFI बॉक्स डोंगल लेंगे तो डायरेक्टली हम क्रेडिट के थ्रू हम मोबाइल फोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं क्या, ओप्पो और रियलमी फोन को। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा जैसे कि इसमें ओप्पो रियलमी के फोन जो है उसमें आप फ्लैशिंग तो नहीं कर सकते, बट दोस्तों उसमें आप IMEI रिपेयरिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लैशिंग का दोस्तों अभी वो बीटा वर्जन में है यानी टेस्टिंग में है, अभी क्रेडिट के थ्रू उसको फ्लैशिंग का ऑप्शन नहीं मिला है, यानी आप उसको ओप्पो रियलमी को आप अनलॉकिंग नहीं कर सकते क्रेडिट के थ्रू। उसके लिए आपको ISP मेथड यूज करना होगा। आपको डिटेल मिल ही गया होगा, अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आके आप विजिट करके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किसमें कितना क्रेडिट कट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कौन से फोन के लिए कितना क्रेडिट कट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारे चैनल का एक मेंबर बन जाए दोस्तों। वैसे ही नए नए चीजें, नए नए डिटेल में मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, और आपके जो कोई भी मन में डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका जवाब मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।